नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग्स तो बहुत मिस्टी सी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिस्टी मॉर्निंग्स के बीच में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। बताएंगे, लेकिन आज के वक्त में सफर करने से पहले कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो भाई, हम और आप तो निकल पड़ते हैं साथ में कुछ अनजानी अनदेखी जगहों को ढूंढने, देखने, जानने, एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन आज देवी और सज्जनों, हम और आप खेलेंगे एक नया खेल, क्या आप जानते हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि जहां हम खड़े हैं ये जगह वैसे तो राजस्थान स्टेट में है, लेकिन अगर गुजरात के लोग यहाँ पे ना आए तो यहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी हिल जाए। गुजरात से लोग यहाँ पर आते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने, या फिर शायद इसलिए कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। क्या आप जानते हैं कि माउंट आबू राजस्थान का इकलौता और छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन है। यहां लोग नक्की झील में बोटिंग करने आते हैं, बाजार में आइसक्रीम खाने आते हैं, हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट और ऐसे ही अनेक पॉइंट्स पर फोटो खिंचाने आते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ग्यारह से सोलहवीं सदी के बीच बने इन मंदिरों में संगमरमर का खूबसूरत काम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स में कैमरा अंदर ले जाना मना है, तो आप उसे नहीं देख पाएंगे अंदर से। दिलवाड़ा के मंदिर तो सब देखते ही हैं। अब आपको लिए चलते हैं ऐसी जगहों पे जहां कम लोग ही पहुंच पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि माउंट आबू के पास ये अचलगढ़ नाम का एक किला भी है। किले के नाम पे अब यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसी दीवारें, खंडहर रह गए हैं, पर खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। 9th सेंचुरी के आसपास परमार डायनेस्टी के टाइम पे ये किला बनाया गया था। अब इस किले में एक आदेश्वर जैन मंदिर है, एक चामुंडा माता का मंदिर है, एक काली माता की गुफा है और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर रह गए हैं। पर ये किले के खंडहर और नीचे एक अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर उस समय का इतिहास जरूर बताते हैं। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करती है जगह ढूंढने में। इस किले तक आने के लिए अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ने को मिली। रास्ते में दिखे कुछ खंडहर, कुछ घर, कुछ मंदिर और मिले ये बच्चे जो यहाँ आने वालों को शायरी सुनाने को बेताब दिखे। अरे एक एक करके तो बोलो। हरी नाम का प्याला पियोगे तो आपकी जिंदगी तो सुधर जाएगी। चली को रात कहता, उसे भी कॉल देख के नशा उतर जाता, उसे बाप कहती है। क्या बात है, शायरी सुन ली? शायरी सुन लो। ये शायरी बच्चों की तो बिल्कुल नहीं थी। खैर, और आगे चलने में मिली कुछ बड़ी बच्चियाँ जो सेल्फी खींचने में व्यस्त थी। आखिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो डालना है। किले के नीचे स्थित है ये अनोखा अचलेश्वर महादेव का मंदिर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है शिवजी का, जहां पर शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इस अनूठे मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान शिव ने अपने अंगूठे पर आबू पर्वत को थाम रखा है। जिस दिन यहां से अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, उस दिन माउंट आबू का पहाड़ खत्म हो जाएगा। यहाँ दो मंदिर विष्णु जी और कोटेश्वर महादेव के भी हैं। चलिए मंदिर से आपको लिए चलते हैं शहर की तरफ, एक नजर आबू के बाजार पर भी मार ली जाए। क्या आप जानते हैं कि माउंट आबू में एयरगन्स की बहुत सारी दुकानें हैं? लोग टूरिस्ट बन के आते हैं और गन मास्टर G9 बन के वापस जाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि आबू की रबड़ी बहुत मशहूर है? ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता है। और अब आपको लिए चलते हैं जंगल की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जंगल की तरफ, उस जंगल की तरफ जिसके नाम पे कहते हैं कि आबू का नाम पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि आबू का पुराना नाम अर्बुदारण्य था और यहां पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। यहां पर कहते हैं कि वो अग्निकुंड है जिसमें से तपस्या करके वशिष्ठ मुनि ने फायर डिसेंडेंट्स यानी कि अग्नि कुल के जो क्षत्रिय हैं परमार, सोलंकी और चौहानों को उसमें से पैदा किया था, ऐसा लेजेंड है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसको जाने के लिए हमें करीब 750 सीढ़ियां उतर के जाना पड़ रहा है। आप देखिए कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत करके हम ये 750 सीढ़ियां उतर रहे हैं और अभी करीब 30 हो चुकी हैं। 31, 32, 95, 96, 330, 332, 334, 513, 514, 514। वशिष्ठ आश्रम में वशिष्ठ मुनि का मंदिर है जहां साथ में राम और लक्ष्मण मूर्त रूप में विराजमान है। वो अग्निकुंड है जिससे अग्निकुल के राजपूत उत्पन्न हुए। इंद्र देवता का भी एक मंदिर है। पौराणिक कहानियों को एक रूप सदेती इस जगह के पास ही है गोमुख तीर्थ, जिसे यहाँ की मान्यता में सरस्वती का उद्गम कहा जाता है। पहले अचलगढ़ की चढ़ाई चढ़ी थी, अब फिर 750 सीढ़ी चढ़कर वापस जाना है। भाई अगर अनजानी अनदेखी जगहों तक पहुंचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी एक चढ़ाई और चढ़नी है एक और अनोखी जगह की तलाश में। क्या आप जानते हैं कि रियो डी जनेरो की तर्ज पर माउंट आबू में भी इस पहाड़ के ऊपर एक क्राइस्ट रिडीमर की ऐसे करके मूर्ति है? बड़ा मन था कि देखें और आपको भी दिखाएं, लेकिन एक तो ये ट्रैक पर रास्ता बड़ा फिसलना है और ऊपर कुछ चट्टाने गिरी हुई हैं, वापस लौटना पड़ा। बट हाउ कूल इज दैट। तो जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि सफर में क्या रहा कूल और क्या रहा अनकूल। तो साहब, हम और आप चलते रहेंगे, हमारा सफर जारी रहेगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, कुछ नया देखते, अनदेखी जगहों पे जाते, कुछ नया खाते, खिलाते, बनते बनाते, चलता रहेगा सफर। ABP News आपको रखे आगे।